हर हर महादेव। दोस्तों आज की कथा हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी काम को टाल देते हैं तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। महादेव क्या कहते हैं इस कथा में, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं कि काम कोई भी हो डरना नहीं चाहिए और डरकर काम को टालना नहीं चाहिए। आइए दोस्तों इस कथा को हम शुरू करते हैं। यह एक चिड़िया थी, उस चिड़िया ने अपना घोंसला किसान के खेत में बनाया था। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया ने दो अंडे दिए। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से दो बच्चे निकले। अब चिड़िया रोज सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए जाती और शाम को वापस आती। अब हर रोज ऐसे ही होने लगा था। चिड़िया सुबह जाती और शाम को वापस आती, कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जब चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर दाना चुगने के लिए गई थी तो उस खेत का मालिक वहां पर आता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी फसल बढ़ चुकी है, कल अपने बेटों को बुलाकर इसको कटवा दूंगा। यह बोलकर उस खेत का मालिक वहां से चला जाता है। यह बात चिड़िया के बच्चों ने सुन ली थी। जब शाम को चिड़िया वापस आई, उसके बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि आज खेत का मालिक आया था और वह कह रहा था कि कल अपने बेटों को बोलकर फसल कटवा दूंगा और जब फसल कटेगी तो हमारा घोंसला भी कट जाएगा, हमें आज ही अपना घोंसला यहाँ से ले जाना चाहिए। यह सब बातें चिड़िया सुनी और अपने बच्चों से कहा कि तुम दोनों बेफिक्र हो सो होकर सो जाओ, कल ऐसा कुछ नहीं होगा। और गजब की बात यह हुई, कल सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। लगभग एक हफ्ता गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर आया और फसल को देखकर उसने फिर से वही कहा कि अब तो फसल काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, कल तो मैं नौकरों के हाथ से इसे कटवाना ही पड़ेगा। यह बोलकर वहां से चला गया। जब शाम को चिड़िया दाना चुग कर वापस आई, फिर से उसके बच्चों ने कहा कि आज फिर से खेत का मालिक आया था और इस बार तो वह कह रहा था कि कल तो नौकरों के हाथ से फसल काटना ही पड़ेगी, माँ हमें जल्दी ही अपना घोंसला दूसरी जगह ले जाना चाहिए। फिर से चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि कल भी ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चों तुम बेफिक्र हो जाओ और कल सुबह सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर लगभग दो हफ्ते गुजरने के बाद उस खेत का मालिक फिर से अपने खेत पर आया। उसने कहा कि अब तो कल आकर मुझे ही फसल काटनी पड़ेगी और यह कहकर वो वहां से चला गया। फिर से जब शाम हुई और चिड़िया अपने घोंसले में आई, उसके बच्चे ने उससे कहा आज फिर से किसान का मालिक आया था और अब तो उसने यह कहा है कि कल वह खुद आकर फसल काटेगा। बस यह सुनने के बाद चिड़िया तुरंत अपने घोंसलों को समेत अपना घोंसला उठाकर बाजू के खेत में ले आकर चली गई। जब दूसरा दिन निकला और सुबह हुई तो चिड़िया के बच्चों ने देखा कि वह किसान अपने खेत की फसल काट रहा था। यह देखने के बाद में बच्चों ने अपनी माँ से पूछा कि आपको कैसे पता था कि वह खेत का मालिक आज पक्का फसल काटेगा, हालांकि इससे पहले भी वह दो बार यही कह गया था। चिड़िया ने अपने बच्चों की तरफ देखा और कहा, बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना, यह जो इंसान है ना जब तक अपने काम को दो बार टालता नहीं है तब तक उस काम को हाथ तक नहीं लगाता, और फिर चाहे वह कितना भी छोटा काम हो। क्या चिड़िया ने अपने बच्चों से सही कहा? हाँ बिल्कुल यही सही है। मैं आपको आपकी सबसे बड़ी समस्या बताऊं?
आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या आपको पता है? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और ऐसा सोचते हैं कि आपके पास बहुत वक्त है, जबकि इसका उल्टा है। आपके पास टाइम नहीं है, बल्कि आपको देर हो चुकी है। आपने बहुत कर लिया है, लोग कहां से कहां पहुंच गए और आप अभी वहीं बैठकर यही सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत टाइम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कथा बहुत अच्छी लगी।